हमारी बाकी लड़कियों ने तो बहुत ही दमदार परफॉर्मेंसेस दिए हैं ओलंपिक्स में, और कल ही साक्षी हमारे लिए ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है जो कि इंडिया में पहला ओलंपिक मेडल रहा है. इट्स अ वेरी वेरी प्राउड फीलिंग. और आज पी वी सिंधु का फाइनल मैच है, आई होप कि वो जीते, बट अगर ना भी जीते तो उन्हें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि सिल्वर मेडल तो वो लेके आ ही रही है, बट उन्होंने 1.3 बिलियन हार्ट्स को जीता है एंड वी आर ऑल वेरी वेरी प्राउड. बिल्कुल करना चाहूँगी. इनफैक्ट मैं स्कूल में और कॉलेज में स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव थी, टेनिस, फुटबॉल, वॉलीबॉल, थ्रोबॉल, बास्केटबॉल, स्विमिंग, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, मैं सब में पार्टिसिपेट करती थी और काफ़ी अच्छा खेलती थी. तो उसके बाद छूट गया. अब जब भी मौका मिलता है, कभी कभार सेट पे लोग फ्री होते तो जमा करके हम वॉलीबॉल खेलने लग जाते हैं, या टेनिस अगर कोर्ट हुआ हम जहाँ पे रह रहे हैं तो टेनिस खेलने लग जाती हूँ. तो आई रियली मिस इट, बहुत मिस करती हूँ खेलना, और आई होप अगर मुझे ऐसा एक रोल मिले तो मैं करूँगा. बट कोई बात नहीं, ऐसा और भी बहुत लोगों के साथ हुआ है जो गए थे और खाली हाथ वापस आए, बट वहाँ तक पहुँचना ही इतना बड़ा अचीवमेंट है खुद में. यू नो सेलिब्रेटिंग वुमेन एक्सीलेंस, आप और मैं तो जा नहीं सकते ओलंपिक, तो जो लोग गए हैं हमें उनके लिए बहुत खुश होना चाहिए. या शी ऑफकोर्स शी वन सो मेनी हार्ट्स एंड बहुत कम मार्जिन से चुकी है. यू नो दिस ऑलवेज नेक्स्ट टाइम एंड शी इज मेड अस प्राउड. एनी वे हर एपिसोड की खासियत यही होती है कि एक सोल्यूशन भी मिलता है, और आपको आई फील कि जब आप इन्फॉर्म कर रहे हैं लोगों को, उनको अवेयर कर रहे हैं, वो भी काफ़ी होता है, क्योंकि एटलीस्ट जानकारी होना ज़रूरी है. आई फील दैट सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली आ जाता है. थैंक यू.